हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे अर्जेंटीनियन लीग के मैच के बारे में जो खेला जाएगा पैट रोनाटो और रोजारियो सेंट्रल के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो इस वीडियो में इन दोनों टीम के हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो कंप्लीट देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीम की पॉइंट टेबल पर। तो गाइस, पैट रोनाटो अर्जेंटीनियन लीग में फिलहाल के टाइम पर 13 पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें रोजारियो सेंट्रल फिलहाल के टाइम पर 22 पोजीशन पर है। तो गाइस, इन दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गाइस, अब बात आती है कि इन दोनों टीम में से हम किस टीम को अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चलें। तो गाइस, मैं फिलहाल के लिए पैट रोनाटो को ही एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैच इस टीम के होम ग्राउंड में, और ये टीम जब भी अपने होम ग्राउंड में अपने से हल्की टीम के सामने मैच खेलती है, या तो मैच को विन कर लेती है या मैच को ड्रॉ खेलती है, लेकिन मैच को जल्दी से लॉस नहीं करती। तो इसीलिए मैं पैट रोनाटो को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूं। लेकिन गाइस, हम बात भी करेंगे जब ये दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीम्स की ओर से। तो गाइस, इन दोनों टीम के बीच में लास्ट 6 हेड टू हेड मैच खेले गए हैं, जिनमें से पैट रोनाटो इस टीम के सामने 2 मैच विन कर चुकी है, 2 मैच ड्रॉ भी खेले और 2 ही मैच लॉस किए हैं। अटैक से 1.3 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 1.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहना का मतलब, जब भी पैट रोनाटो इस टीम के सामने मैच खेलती है तो मैच 50-50 देखने को मिलता है दोनों टीम्स की ओर से, अटैक से भी और डिफेंस से भी। अब बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया, उस मैच को रोजारियो सेंट्रल 3-2 से इस टीम के सामने विन कर गए। अटैकिंग वाइज रोजारियो ने इस टीम के सामने 3 गोल स्कोर किए, लेकिन डिफेंस 2 गोल कंसीड किए। और उससे भी मुकाबला फिर इन दोनों टीमों के बीच मैच खेल गया, और उस मैच को भी रोजारियो सेंट्रल 4-0 से विन कर गई। तो रिसेंटली अगर 2 मैचेस में नज़र डाली जाए तो रोजारियो सेंट्रल ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रखा इस टीम के सामने, अटैक से भी और डिफेंस से भी। लेकिन वो मैच सेंट्रल के होम में थे, लेकिन आज ये टीम अवे में खेलेगी। लेकिन उससे भी मुकाबला फिर इन दोनों टीमों के बीच में एक मैच अटैक में ड्रॉ खेला गया, दोनों टीमों ने एक एक गोल स्कोर किया और डिफेंस से भी एक गोल कंसीड किया। और उससे पिछले 2 मैच पैट रोनाटो 2-1 और 3-0 से मैच को विन किए। तो परफॉर्मेंस उन 3 मैचेस में, मतलब 2 मैचेस में काफ़ी शानदार रखा, और एक मैच इन दोनों टीमों के बीच में डिफेंसिव ड्रॉ खेला गया। तो परफॉर्मेंस अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिसेंटली रोजारियो सेंट्रल का अच्छा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पैट रोनाटो भी कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है इस टीम के सामने। ये तो बात हुई हेड टू हेड मैचेस में, लेकिन हेड टू हेड मैचेस में जब ये दोनों टीमें आपस में होम में खेलती है तो मैं आपके लिए यहाँ पर फैक्ट दिखाने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर देखना कि इस जो डाटा है वो एकदम चेंज दिखेगा। तो जैसे कि मैंने होम पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि जो पैट रोनाटो जब भी इस टीम के सामने अपने होम में मैच खेलती है, 6 मैच खेलिए, 5 विन किए, 1 ड्रॉ किया, मतलब लॉस तक नहीं किया। अटैक से 1.8 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 0.57, मतलब इस टीम के सामने पर 2-3 मैच में सिर्फ एक ही गोल कंसीड करती है और मैच को विन कर लेती है। तो इसीलिए मैं पैट रोनाटो की फेवरेट टीम मान चलता हूँ, क्योंकि होम में इस टीम का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहता है इसके अगेंस्ट में, ओके। अब बात आती है इन दोनों टीम जो करंट फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस, पैट रोनाटो करंटली 6 मैच खेल चुके हैं, जिनमें से इस टीम ने सिर्फ 1 मैच विन किया, बल्कि 3 मैच ड्रॉ खेले और 2 मैच लॉस किए हैं। अटैक से 0.7 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए तो परफॉर्मेंस अटैक और डिफेंस, अटैक तो डाउन है लेकिन डिफेंस काफ़ी शानदार है, क्योंकि 0.8 का मतलब है कि ये टीम पर दो मैच में ही एक गोल कंसीड करती है, वरना गोल तक कंसीड नहीं करती। अब बात करें जो पिछला मैच पैट रोनाटो रेसिंग क्लब के सामने 1-0 से मैच को लॉस कर आ रही है, और उससे भी मुकाबला पला टेंस के सामने टीम 1-0 से विन किए, और एक मैच डिफेंसिव ड्रॉ खेली, और उससे भी मुकाबला एक मैच 1-0 से लॉस किए, और उससे भी मुकाबला फिर डिफेंसिव ड्रॉ खेली, और एक मैच इस टीम ने अटैकिंग ड्रॉ खेला। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए तो डिफेंस काफ़ी मजबूत है, अटैक इस टीम का पर मैच में फिलहाल टाइम पर गोल स्कोर नहीं कर पाता, बल्कि डिफेंसिव अच्छा परफॉर्मेंस कर लेती है। तो गाइस, अब बात आती है रोजारियो सेंट्रल का जो करंट फॉर्म उसके अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस, रोजारियो सेंट्रल करंटली 6 मैच खेल चुके हैं, जिन मैच टीम ने सिर्फ 1 मैच विन किया, बल्कि 3 मैच ड्रॉ खेले और 2 मैच लॉस किए हैं। अटैक से 0.7 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए तो दोनों फॉर्मेट में 50-50 देखने को मिलता है, डिफेंसिव मजबूत टीम है, अटैकिंग एवरेज टीम है। बात करें जो पिछला मैच रोजारियो सेंट्रल अटैकिंग मैच को ड्रॉ खेल कर रही, 1 गोल स्कोर किया और एक ही गोल दूसरी टीम ने इसके सामने करा, और उससे भी मुकाबला ये टीम 2-1 से मैच क्लोज की, एक मैच 1-0 से विन किया, एक मैच अटैकिंग ड्रॉ खेला, और उससे भी मुकाबला 1-0 से लॉस, और एक मैच इस टीम ने डिफेंसिव ड्रॉ खेला। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए तो अटैक एवरेज है और डिफेंस थोड़ा सा मजबूत देखने को मिलता है। तो फाइनल गाइस, अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन
क्या हो सकता है। उससे पहले मैं आपके लिए बता दूं, पैट रोनाल्डो ये मैच अपना होम में खेलेगी, और ये टीम जब भी अपना होम में खेलती है तो इस तरह का जो आपको यहाँ पर डाटा दिख रहा है ना, तो एक बार इसको भी चेक कर लेना, तो ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। होम में इसने 6 मैच खेले हैं, 4 मैच विन करें, 2 ड्रॉ करें, लॉस तो किया ही नहीं है। अटैक 1.3 और डिफेंस 0.3। अटैक भी शानदार परफॉर्मेंस करता है, डिफेंस भी शानदार, और मैच को विन करती है, ड्रॉ करती है, लेकिन लॉस नहीं करती। तो इसीलिए मैं पैट रोनाल्डो की क्लियर कट फेवरेट टीम मान चलता हूँ इस मैच में। तो फाइनली अब बात आती है इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हमने इन दोनों टीम की पॉइंट टेबल पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मैच पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर लेंगे कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइस पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग पैट रोनाल्डो की जो पोजीशन है वो काफी सेफ है एज कंपेयर टू रोजारियो सेंट्रल। और हेड टू हेड का अकॉर्डिंग देखा जाए तो रिसेंटली रोजारियो ने अपना होम इस टीम के सामने मैच विन किया, वरना पैट रोनाल्डो जब भी अपना होम में खेलती इस टीम के सामने या तो मैच को विन करती या ड्रॉ खेलती, लेकिन इस टीम के सामने मैच को लॉस नहीं करती। और रिसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग देखा जाए दोनों टीमों की जो परफॉर्मेंस है वो 50-50 देखने को मिलता है, मतलब दोनों टीमें डिफेंसिव मजबूत हैं और अटैक एवरेज है, तो दोनों टीमों की तरफ से आपको कहीं ना कहीं इस मैच में बराबर का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो फाइनल गाइज अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइज मुझे लगता है कि इस मैच में पैट रोनाल्डो सिर्फ एक ही गोल स्कोर कर पाएगी और इस टीम के सामने शायद आज गोल कंसीड ना करें, तो इसलिए मैं अपना इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन रखता हूं 1-0। और 1-0 के प्रेडिक्शन के अनुसार मैं अपनी ड्रीम 11 टीम क्रिएट करूंगा ड्रीम 11 पर। उससे पहले हम बात करेंगे इन दोनों टीम के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो हम उस पर नजर डालते हैं पैट रोनाल्डो के टीम्स के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नजर डालेंगे रोजारियो सेंट्रल के जो प्लेयर्स उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो सबसे पहले नजर डालते हैं पैट रोनाल्डो के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्त अगर आप बिल्कुल नए हो, आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और इस वीडियो के साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। और हाँ दोस्त, इस मैच की 10 ग्रैंड लीग टीम पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के टॉप के कमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं सीधे मुद्दे की प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो हम सबसे पहले नजर डालते हैं पैट रोनाल्डो के टीम्स के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस पैट रोनाल्डो टीम तरफ फिलहाल के टाइम में जो हाईएस्ट गोल टेकर यहाँ से जोनास अश्वेडो इस टीम की तरफ से 3 गोल निकाल चुका, एक्सेल रोड्रिगो 3 गोल निकाल चुका, जोनाथन हरेरा 3 गोल निकाल चुका, सबास्तिन मदीना 3 गोल निकाल चुका, मार्शिलो जो कि 2 गोल निकाल चुका। अब आपको लग रहा होगा यार सभी प्लेयर्स 2-2, 3-3 गोल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कंसिस्टेंट गोल करेगा वो कौन सा प्लेयर है, तो आपके सामने लाइनअप बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच की। जो लाइनअप में आपको सबसे अटैकिंग पे देखने मिले उस प्लेयर को तो ट्राई करके चलना ही चलना, लेकिन मुझे लगता है कि आज के मैच में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो जोनस है, तो इनको हम टीम में ट्राई करके जरूर चलेंगे। फिर यहाँ से एक्सेल को भी पिक करके चलते हैं, फिर जोनाथन हरेरा को भी करके चलते हैं, जो कि जोनाथन हरेरा एक टॉप क्लास प्लेयर है, इनको भी पिक करना बनता है। बाकी सभी प्लेयर्स का आपके सामने 1-2 गोल दिख रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट में अगर देखा जाए जोनास है जो कि गोल और असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट है, जोनाथन हरेरा गोल असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट है, जस्ट टू ज्ञानी 2 असिस्ट, और यहाँ से निकोलस कास्त्रो 2 असिस्ट, बाकी सभी प्लेयर्स का एक एक असिस्ट है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से जो टॉप क्लास प्लेयर है वही आपको फिर से देखने को मिलेंगे, और इन्हीं प्लेयर को आप अपनी टीम में ट्राई करके चल देना। अब बात करते हैं जो सेकंड टीम है उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो हम नजर डालते हैं सेंट्रल के टीम के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस सेंट्रल टीम तरफ फिलहाल टाइम जो हाईएस्ट गोल एलेजो वेलिज इस टीम तरफ से 3 गोल निकाल चुका, गैस्पर शेरवियो जो कि 3 गोल किए, लेकिन 3 के 3 गोल इसने पेनल्टी में किए, तो ये पेनल्टी टेकर इस टीम तरफ से। यहां से गिनो जो कि इस टीम तरफ से 2 गोल कर चुका, बाकी सभी प्लेयर्स का आपके सामने रिकॉर्ड है, इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, लेकिन जो टॉप प्लेयर है वो आपको टॉप 3 ही देखने मिलेंगे, और इन्हीं प्लेयर्स को आप टीम में ट्राई करके चलना। क्यों 3 प्लेयर के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंट फॉर्म दोनों टीमों का डिफेंसिव अच्छा है, अटैक एवरेज है, तो इन प्लेयर्स का गोल आने का चांस थोड़ा सा कम रहता है, और डिफेंसिव वर्क ये टीम काम करती है। ओके, तो अब बात करते हैं इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ से ब्लांशो है 2 असिस्ट, गोल में कंट्रीब्यूट है, फकुंडा है 1 असिस्ट, डैमियन 1 असिस्ट, बाकी का रिकॉर्ड सामने आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से मैं ब्लांशो को अपनी टीम में सजेस्ट करने वाला। ओके, अब बात करते हैं इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन, मैंने काफ़ी लो स्कोरिंग रखी है 1-0, और 1-0 के प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहनी चाहिए इस मैच जो हमारी शमोली टीम है ड्रीम इलेवन पर, तो सीधे नजर डालते हैं इस मैच की ड्रीम इलेवन की टीम पर। और अब इस वीडियो का सेकंड बेस्ट पार्ट शुरू होता है। तो सबसे पहले बात करें गोलकीपर सेक्शन से,
आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इस मैच में फेवरेट टीम पैट रोनाल्डो है। तो पैट रोनाल्डो का हमें अपनी टीम में 7 प्लेयर पिक करना है और रोजारियो सेंट्रल के सिर्फ 4 प्लेयर पिक करना है। कुल मिलाकर हमें इस मैच में 11 प्लेयर को पिक करना विद कैप्टन और वाइस कैप्टन साथ। तो मैं आपके लिए डिटेल्स में हर एक प्लेयर के बारे में बताऊंगा, बस आप वीडियो को ध्यान से देखना और कंप्लीट देखना। और दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बात करें गोलकीपर सेक्शन से, दोनों टीमों का अटैक आपने देखा है, डिफेंस आपने देखा, हेड टू हेड मैचेस आपने देखे हैं। तो दोनों टीमों का जो परफॉर्मेंस है वो डिफेंसिव खेला जाता है, मतलब इस मैच में दोनों टीमों के गोलकीपर बराबर के टेस्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं अभी के लिए पैट रोनाल्डो के गोलकीपर को प्रिफरेंस फर्स्ट देता हूं। ओके, आप चाहे तो यहां से सर्बिया को पिक कर सकते हो, लेकिन मैं यहां से पैट रोनाल्डो के गोलकीपर के साथ जाना सही रहेगा। बात करें यहाँ से डिफेंडर सेक्शन, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी वो पैट रोनाल्डो की तरफ से रहेगी, क्योंकि पैट रोनाल्डो मेरी फेवरेट टीम मान चलता हूँ। अधिकतर मैं पैट रोनाल्डो के ही डिफेंडर को टीम में सजेस्ट करूँगा, तो इन टॉप प्लेयर को मैं अपनी टीम में अभी के लिए पिक करके चला हूँ। ओके, तो आपको भी इन सभी को ही पिक करना। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन आता है रोजारियो की तरफ से, जो सबसे ज़्यादा डिफेंसिव पॉइंट देंगे, मतलब जो बिना गोल के भी कम से कम 25 या 30 पॉइंट दे जाएं, तो वो प्लेयर्स आपके लिए जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी रोजारियो की तरफ से, वो आपके सामने काफ़ी नीचे दी ही। और यहाँ से क्विंटानो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो कि डिफेंसिव वर्क काफ़ी अच्छा कर लेता है, तो इसलिए मैं इन्हीं को सजेस्ट करूँगा। बाकी जितने डिफेंडर हैं ये आपको काफ़ी दिख रहे हैं, लेकिन इन सब का कोई इतना मुझे पॉइंट आते नहीं दिख रहे, तो इसलिए मैं इनको आपके लिए सजेस्ट भी नहीं करूँगा। बात करें मिडफील्ड सेक्शन में, तो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी जोनास एसवेडो। इस टीम की तरफ से टॉप क्लास प्लेयर है, असिस्ट पोटेंशियल हाई है, तो चांस ज़्यादा है इसका गोल और असिस्ट आने के, तो इसलिए मैं इनको भी पिक करके चलूंगा। फिर यहाँ से मेदिना है जो कि डिफेंसिव पॉइंट काफ़ी अच्छा निकाल लेता है, गोल असिस्ट पॉइंट, मतलब इसका गोल में भी और असिस्ट में भी कंट्रीब्यूट रहा है। फिर यहाँ से गिनो है, एक अच्छा प्लेयर साबित होगा रोजारियो की तरफ से, डिफेंसिव वर्क काफ़ी अच्छा है इसका। ओके, फिर यहाँ से लेइस है जो कि डिफेंसिव पॉइंट देता है, ये आप पैट रोनाल्डो की तरफ से पिक कर सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग में, समोर लीग में आपके लिए ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। फिर बाकी यहाँ से रोजारियो की तरफ से ये एवरेज प्लेयर है, इनको मैं जैसे नहीं करूंगा, लेकिन कास्ट्रो को आप ट्राई कर सकते हो कास्ट्रो, लेकिन वही बात आती है कि हमें एक लो स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इनका इतना ज़्यादा हम गोल असिस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, और वैसे भी सिलेक्शन लेस है। बाकी यहाँ से जितने और प्लेयर्स हैं इनको मैं ज़्यादा सजेस्ट आपके लिए करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे इनका खेलने के चांस थोड़े से कम लग रहे हैं। आपको आप भी जानते हैं कि यार टीम में सिर्फ 11 ही प्लेयर स्टार्ट करते हैं, अब 11 में से हम टॉप प्लेयर को पिक कर लें, बाकी यहाँ पर जो प्लेयर रहते हैं वो सब्स्टिट्यूट खेलते हैं, सब्स्टिट्यूट में इनका चांस ही नहीं रहता गोल असिस्ट आने, क्योंकि 10-5 मिनट ही मिलती खेलने को। तो यहाँ जो टॉप प्लेयर मैं अभी के लिए जोनास को हम टीम में ट्राई करके चला हूँ। फिर ऑप्शन नेक्स्ट हमारे सामने आती है गिनो, इनको पिक करेंगे, और नेक्स्ट ऑप्शन उससे बेहतर आपके सामने आती है फरेरा, तो इनको भी पिक करके चलें। फिर बात करें सेंटर फॉरवर्ड, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी वो काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन हम अभी के लिए ड्रॉप कर चुके हैं जोनाथन हरेरा, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अभी के लिए क्यों मतलब इसको ड्रॉप किया, क्योंकि हमने 7 प्लेयर ऑलरेडी पैट रोनाल्डो टीम तरफ से पिक कर लिए हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसको ड्रॉप ही करके चलेंगे। फिर यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन फेरियस है, अच्छा प्लेयर है, और बाकी मैरिनेली एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो अभी के लिए मैं मैरिनेली को पिक करके चलाऊँ। बाकी आप एक ऑप्शन और आता है आपके सामने, और हाँ दोस्त मैं आपके लिए बता दूं, गोलकीपर इस टीम की तरफ से पेनल्टी लेगा, यहाँ से गैस पर सर्बिया, तो हमें गोलकीपर को ही पिक करना है, अगर पेनल्टी आ गई तो गोल भी कर देगा, तो इसलिए ना अभी के लिए हम इसको ही पिक करके चलते हैं। फिर हमारे सामने ऑप्शन आता है जोनाथन हरेरा का, और नेक्स्ट ऑप्शन ये आप चाहे तो यहाँ से स्टीफन मदीना को पिक कर सकते हैं, जो कि इस टीम की तरफ से सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर। अब आपके सामने ऑप्शन है, ये आपको पेनल्टी टेकर लेना है या क्लीन शीट के साथ जाना है, मैं अभी के लिए पेनल्टी वाले को लेकर चलता हूँ। ओके, फिर मैं अभी के लिए जोनाथन हरेरा को पिक कर, मतलब ऑप्शन दो ही बचती है हमारे, हरेरा और हमारे साथ मदीना, एक चॉइस करनी है, लेकिन लाइनअप के बाद वो क्लियर कर देंगे। अभी के लिए हम हरेरा के साथ जाना प्रेफरेंस देते हैं। सेकंड ऑप्शन रहते हैं हम अलीजो वेलिज, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जो कि इस टीम तरफ से फिलहाल टाइम पर 3 गोल कर चुका है, तो इनको पिक करते हैं। तो मेरी टीम का प्रीव्यू इस प्रकार है, याद रहे ये वीडियो का आधार पर बनाई गई एक बेहतरीन सी टीम है, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी वो लाइनअप के बाद पोजिशन को देखते हुए कि कौन सा प्लेयर ऐसा है जो अगर गोल नहीं भी करेगा तो वो डिफेंसिव वर्क पूरा करेगा और 90 मिनट कंप्लीट खेलेगा। तो मैं अभी के लिए कैप्टनसी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि डिफेंडर में कैप्टन देना आज के लिए सही रहेगा, तो अभी के लिए मेरी कैप्टनसी लोजानो को मैं अपनी टीम का कैप्टन बनाता हूँ, क्योंकि इसका सब ज़्यादा इंटरसेप्शन टेकल और की पासेस अच्छे खास आते हैं, तो इनका डिफेंस नंबर अच्छा है, तो कैप्टन अगर हम बनाएंगे तो ये बिना गोल के कम से कम 25 पॉइंट दे जाएगा, अगर क्लीन शीट मिल गई तो 45 पॉइंट हो जाएगा, अगर इसने असिस्ट निकाल लिया तो 45 और 20 और जोड़ दो 65 पॉइंट आराम से हो जाएंगे गोल के बराबर है, तो इसलिए कैप्टनसी तो बेस्ट ऑप्शन मुझे यही लगी है। और वाइस कैप्टनसी की बात की जाए अल्वारेज मुझे एक अच्छा साबित लग रहा है, क्योंकि बिना गोल के डिफेंसिव वर्क अच्छा कर लेता है, तो इसलिए मेरी टीम का वाइस कैप्टन अल्वारेज रहने वाला है। मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ आपके लिए, मेरे कैप्टन यहाँ से लोजानो, वाइस कैप्टन यहाँ से अल्वारेज, तो ये मेरी टीम अभी के लिए, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी लाइनअप के बाद वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाते हैं और वो भी सिर्फ आपके लिए, तो मेहनत को आप
पूरा सहयोग करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।